नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा प्रश्न की ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चे, आज हम आपको बताएंगे कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होता है और परीक्षा में यदि इससे जुड़े प्रश्न आए तो आप कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, विकार जो शब्द होता है, विकार, विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी विकार का मतलब बदलाव या परिवर्तन होता है। तो ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए वो विकारी होते हैं, और ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन ना हो पाए उन्हें अविकारी कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि किसी भी शब्द में बदलाव होता किस प्रकार से है। तो शब्द में बदलाव करने के लिए हिंदी व्याकरण में चार तरीके हैं। तो जैसे किसी भी शब्द में आपको बदलाव करना है तो जैसे मान लिया, यहां लिखते हैं पहले विकारी शब्द, विकारी यानी परिवर्तनीय शब्द। तो इसकी अगर इसे आप परिभाषित करना चाहो तो कैसे करिएगा कि वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदले जा सकते हैं, यानी ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। अब यहां एक खास चीज और नोट करिएगा, हिंदी में शब्द में यदि कोई बदलाव करना है तो या तो उसका लिंग बदलिए, या वचन बदलिए, या काल बदलिए, या कारक के माध्यम से ही शब्द में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे लड़की शब्द है, अब इसका लिंग बदलना है तो लड़का हो जाएगा, वचन बदलना है तो लड़के हो जाएगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं वो भी देख लीजिएगा, वो बिल्कुल इसका विपरीत होता है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अब यहां बेटा ध्यान क्या रखिएगा कि यहां आ शब्द पहले लगा दिया आपने, आ शब्द का प्रयोग, आ अक्षर का पहले प्रयोग के लिए, आ एक नकारात्मक उपसर्ग है, यानी ऐसे शब्द जिनमें बदलाव ना किया जा सके। तो क्या कहेंगे इसमें कि वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदले नहीं जा सकते। तो ऐसे शब्द जो बदल जाएं उन्हें कहेंगे विकारी, और जो ना बदले उन्हें कहेंगे अविकारी। जब भी कभी कोई परीक्षा में कोई शब्द आ जाए कि ये विकारी है या अविकारी है, जैसे परीक्षा में आ गया कि पुस्तक शब्द विकारी है या अविकारी है, इधर शब्द विकारी है या अविकारी है, तो देखिएगा पुस्तक का वचन चेंज करो, क्या पुस्तक का बहुवचन हो सकता है? क्या पुस्तक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है? क्या पुस्तक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हो सकता है? तो प्रत्यय शब्द में, इसमें पुस्तक शब्द में क्या होता है, इसका हम पुस्तकों कर सकते हैं या इसका हम पुस्तकीय कर सकते हैं, तो इसका मतलब बदल गया और यह एक विकारी शब्द है। अब इसे बदल देखिए क्या है, बदलेगा नहीं, इधरो, इधरा, इधरे, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह शब्द अविकारी है और यह शब्द विकारी है। तो जो बदल जाए वो विकारी शब्द और जो ना बदल पाए वो अविकारी शब्द। परीक्षा में प्रश्न भी इसी प्रकार के आते हैं कि कौन से शब्द विकारी है और कौन से अविकारी शब्द है। तो पहले हम आपके लिए लिखते हैं विकारी शब्द। ये आप तो शायद समझ गए होंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, और इधर लिख देते हैं अविकारी शब्द, इधर लिखते हैं अविकारी
शब्द। ध्यान रखिएगा बेटा, अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। जो अविकारी शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। अव्यय माने अपरिवर्तनीय। अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है। तो विकारी शब्द हो गए आपके और अविकारी शब्द हो गए। विकारी शब्दों की संख्या है चार। विकारी शब्द कितने हैं? चार हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द कितने हैं? अविकारी शब्द भी चार ही हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, बोधक माने बताने वाला, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्या ध्यान दीजिएगा बेटा कि चार ही शब्द विकारी होते हैं और चार ही शब्द अविकारी होते हैं। परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा विकारी शब्द है या कौन सा विकारी शब्द नहीं है, तो तीन शब्द इसमें दे दिए जाएंगे, एक शब्द इसमें दे देंगे, या इनमें से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है तो तीन यहां से देंगे, एक शब्द यहां दे देंगे। तो विकारी शब्द कितने हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द कितने हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयाद बोधक अव्यय। इसमें से जो ये दो शब्द है, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, ये केवल योजक का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ये शब्द दोनों क्या है? योजक। योजक माने जोड़ने वाले। ये दोनों शब्द केवल जोड़ने का काम करते हैं। एक इसमें से वाक्य को जोड़ता है और एक इसमें से शब्द को जोड़ता है। तो ये एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़े वो संबंध बोधक होता है, और जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़े जिसका प्रयोग मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में होता है, जिस योजक का प्रयोग, उसे समुच्चय बोधक अव्यय ही कहते हैं। तो इस प्रकार सदैव याद रखिएगा कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। एक और खास बात मैं आपको यहां बता देता हूं, जो आपके उपसर्ग हैं या जो आपके प्रत्यय हैं, प्रत्यय उपसर्ग दोनों का प्रयोग केवल और केवल इन्हीं शब्दों के साथ होता है। यदि किसी शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ रहा है या प्रत्यय जुड़ रहा है, वो शब्द या तो संज्ञा होगा या वो सर्वनाम होगा या वो विशेषण होगा या वो क्रिया होगा, इसके अलावा वो कोई और शब्द नहीं हो सकता। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के ही आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है और इन्हीं के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो चूंकि ये संक्षिप्त रूप में आपको हमें बात बतानी थी कि आप पहचान सकें कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्दों का प्रयोग अपना क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो ये दो योजक का काम करते, ये क्रिया की विशेषता बताता है और ये एक प्रकार से आश्चर्य प्रकट करने का काम करता है, विस्मय प्रकट करने का काम करता है। जिस प्रकार का शब्द हो उसमें उसी प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कोई न कोई प्रश्न परीक्षा में आए दिन आता रहता है कि विकारी शब्दों की संख्या कितनी है, कितनी बताएंगे? चार। अविकारी शब्दों की संख्या कितनी है? चार। अब कौन से विकारी हैं और कौन से अविकारी हैं, ये चीजें भी आपको इनको याद कर लेना है, समझ लेना है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं, जो आप सभी बच्चों को विधिवत याद होने चाहिए। तो विकारी और अविकारी के संदर्भ में हमको जो बताना था वो आप समझ लिए हैं, और संभवतः आप भविष्य में भूलेंगे भी नहीं कि विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है और किन किन शब्दों को विकारी अविकारी कहा जाता है। तो आज की क्लास को यहीं तक।
फिर आपको अगली क्लास में किसी हिंदी के अन्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।